हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का मजेदार उपन्यास पूरे चांद की रात का पार्ट 3। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अब क्या होगा? अब हो सकता है कोर्ट उसे भगोड़ा घोषित कर दे। घोषणा भगोड़े के मिल जाने की गारंटी तो नहीं होती भाई, दस्तूर तो यही है ना। दस्तूर से काम हो रहा है, सिर्फ दस्तूर से काम हो रहा है। लाइन पर खामोशी छा गई। समझ गया मैं तेरी बात। फिर रमाकांत की आवाज आई, फिर फोन करूंगा। ठीक है, सुनील के संबंध विचित करते ही फोन की घंटी फिर बजी। इस बार लाइन पर अर्जुन था। बड़ी देर से ट्राई कर रहा था गुरुजी, वो बोला। क्या कर देते हो फोन को? सर्फ से धोकर अवन में रख देता हूँ ताकि वो कपड़ों को दाग न लगाए और आखिरी कश तक मजा दे। वो हंसा। अबे फोन को क्या किया जाता है? सुन रहा था और क्या कर रहा था? कहाँ पर है? मैंने यहाँ कोर्ट से तमाम जानकारी निकलवाई है और तलाक के उस केस के बाबत दाएं बाएं से और भी जानकारी इकट्ठी की है। गुरुजी, पहली बात तो यह है कि सेकंड मोशन दाखिल करने के लिए इंतजार का जो 6 महीने का वफा होता है वो आज पूरा हो गया है, लिहाजा कल सेकंड मोशन दाखिल की जा सकती है। प्रोसीजर के तौर पर हाँ। क्या मतलब? 6 महीने पहले जब कोर्ट में ये अपील दाखिल की गई थी कि तब तलाक का केस एक तरफा नहीं था, आपसी रजामंदी में था, तो उसके साथ ही सेकंड मोशन भी दाखिल की गई थी। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। केस अगर शुरू से आपसी रजामंदी से होता तो शुरू में ही फर्स्ट मोशन के साथ सेकंड मोशन दाखिल की जा सकती थी। अलबत्ता ये मजिस्ट्रेट की मर्जी होती है कि वो सेकंड मोशन को तभी कंसीडर करे या ना करे। आई सी। इस केस में मजिस्ट्रेट एक औरत है जिसकी बाबत कहा जाता है कि वो जाती तौर पर तलाक के खिलाफ है, इसलिए आपसी रजामंदी होने के बावजूद भी वो सेकंड मोशन को 6 महीने बाद ही कंसीडर करती है क्योंकि उम्मीद करती है कि शायद उस दौरान दोनों पार्टियों में कोई सुलह सफाई हो जाए, इसलिए सेकंड मोशन पर विचार कल होगा जबकि वो विचार के लिए पेश की जाएगी। पेश नहीं की जाएगी क्योंकि पेश वो पहले से है। क्या मतलब? जो सेकंड मोशन 6 महीने पहले पेश की गई थी वो विड्रॉ नहीं की गई थी, वो अभी भी फाइल में लगी हुई है, लिहाजा इस बाबत जो खाना पूरी होनी वो पहले ही हो चुकी है। हाँ, तलाक कल ही फाइनल हो सकता है मजिस्ट्रेट चाहे तो, वरना वो तलाक को फाइनल किया जाना कबूल करने के बावजूद फैसला अगली तारीख पर सुना सकती है जो कि कम से कम 2 महीने बाद की होगी, ज़्यादा की भी हो सकती है। खाविन को रिप्रेजेंट करता कोई बड़ा और दबंग वकील हो तो 2 दिन बाद की भी हो सकती है, अगले रोज की भी हो सकती है। और वकीलों की जो फर्म इस केस में मिसेज बकाला को रिप्रेजेंट कर रही थी उसका नाम KL कौशल एंड सन्स है, लेकिन काबिले जिक्र बात यह है कि मिसेज बकाला ने आज उन्हें डिसमिस कर दिया है और अब राजनगर का कोई बड़ा वकील उसके केस की पैरवी करेगा। यहाँ से जाकर जाहिर है जो कि केस को स्टडी करने में, उसको तैयार करने में और फिर वहाँ पहुँचने में टाइम लगाएगा, ये भी जाहिर है। तो फिर इकबालपुर कोर्ट में कल ही सुबह तो वो क्या पेश हो पाएगा? उम्मीद नहीं। सुदेश बकाला का जो पता मैंने बताया था वो वहीं रहती मिली? हाँ वहीं थी, 12 सनातन रोड पर। बाय द वे यहाँ वो अपने नाम के साथ सरनेम नहीं लगाती, सिर्फ सुदेश बाला कहलाना पसंद करती है। उसके घर पर जो नेम प्लेट लगी है उस पर भी सुदेश बाला लिखा है। उस घर पर उसकी नेम प्लेट का क्या काम? वो उसके हस्बैंड का है जिसे वो तलाक हासिल करने के लिए कोर्ट कचहरी कर रही है, ताकत दिखा रही है, जो हाथ आता लगे उसे कब्जा रही होगी, हो सकता है। बहरहाल अब सुनो, तुमने वहाँ क्या करना है? अभी भी करना है? मैंने तो जो करना था कर चुका। नहीं कर चुके, अब क्या करना है? उस औरत के खातिर उसके घर की निगरानी करनी है, लेकिन वो तो घर पर नहीं है, आ जाएगी, मैं उसे पहचानता कहाँ हूँ। जो वहाँ पहुँचे और ताला खोलकर भीतर दाखिल हो, समझ लेना वही वो औरत है। दूसरी पहचान RJ2G A5197 नंबर की सफ़ेद आल्टू है जिसको ड्राइव करती वो वहाँ पहुँचेगी। लेकिन गुरुजी, शाम के इस कड़ी? कुछ नहीं हुआ शाम को या उसकी इस कड़ी को। दूसरे,
ये थोड़ी देर की ही बात है, जल्दी ही कोई ना कोई तुम्हें रिलीव करने के लिए वहां पहुंच जाएगा। अच्छा हाँ, घर पहुंचकर वो टिककर बैठे तो तुम्हारा काम आसान है, फिर कहीं चल दे तो तुमने उसके पीछे लगना है। उसकी मौजूदगी में वहाँ किसी आए गए की भी टोर रखनी है। ठीक है ठीक है। अर्जुन बकरी की तरह मिमिया के ना बोल, हौसले से बोल, दिलेरी से बोल। ठंड का मौसम है, मेरा यहाँ पुलंदा बन जाएगा आपकी जुबान में। अभी क्या हो रहा है तुझे, कपकपी छूट रही है? अभी तो नहीं, लेकिन अगर रात को भी? रात को तुझे रिलीव करने के लिए कोई ना कोई वहाँ जरूर पहुँच जाएगा, मैंने बोला ना। पक्की बात? हाँ। फिर क्या बात है, संबंध विच्छेद हो गया। कोठी में कहीं लगे घड़ियाल ने 9 बजाए। तब तक ड्रिंक्स डिनर की मेहमान नवाजी मुकम्मल हो चुकी थी और अब वो लोग डाइनिंग रूम में खाली डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। वो लोग थे मेजबान आदित्यनाथ भकाला, उसका पार्टनर विष्णु मेहता, विष्णु मेहता के साथ आया उसका वकील करसन राज चेलानी, भकाला की सेक्रेटरी ग्रेसी भटनागर, जो खामोशी से वहाँ होता वार्तालाप शॉर्ट हैंड में नोट कर रही थी, सुनील, उसके साथ आया डॉक्टर विनीत पाहुजा, जो कि MD डॉक्टर था, साइकियाट्रिस्ट था, और मलिक साहब के कहने पर जिसने सुनील के साथ वहाँ जाना कबूल किया था, और चटर्जी एंड मुखर्जी नामक वकीलों की फर्म के सीनियर पार्टनर चटर्जी द्वारा सुनील की दरख्वास्त पर उसके साथ भेजा गया वकील अंशुमान कुंडू। पार्टनरशिप से संबंधित वार्तालाप उस कड़ी इस नुक्ते पर अटका हुआ था कि दोनों पार्टनर एक दूसरे को किसी भी कैसे भी क्लेम से कानूनी तौर पर तहरीरी तौर पर मुक्त करें, जिससे विष्णु मेहता के वकील को एतराज था। ये गैर जरूरी है, बेमानी है, चेलानी कह रहा था, मेरा क्लाइंट उसी क्लेम की रिलीज की हामी भर सकता है जो कि पार्टनरशिप से ताल्लुक रखता हो। इस वक्त हम बिजनेस पार्टनरशिप को सेटल या टर्मिनेट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, इसलिए कोई रिलीज जरूरी है तो वो पार्टनरशिप से ही ताल्लुक रखती होनी चाहिए। जनरल रिलीज का क्या मतलब? एतराज भी किस लिए, अंशुमान कुंडू बोला, ऐसे सेटलमेंट कैसेज में जनरल रिलीज ही लिखी जाती है, लेकिन वो कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जनरल रिलीज नहीं लिखी जाएगी तो पार्टनरशिप टर्मिनेट नहीं होगी। नेता साहब, सुनील बोला, बकाला साहब पर, अपने बिजनेस पार्टनर पर ऐसा कोई दावा है जो पार्टनरशिप क्लेम के दायरे में नहीं आता? चेलानी ने आंखों ही आंखों में अपने क्लाइंट से मशवरा किया। नहीं, फिर बोला, फिर जनरल रिलीज से इतराज किस लिए? सवाल इतराज का नहीं, जरूरत का है, जो चीज़ गैर जरूरी है उस पर जोर किस लिए? इसलिए, कुंडू बोला, ताकि मौजूदा बैठक जैसी बैठकों की बार बार जरूरत न पड़े, जो मुद्दा सामने है वो वंस फॉर ऑल खत्म हो। मिस्टर मेहता, पार्टनरशिप के दायरे से बाहर अगर मिस्टर बकाला के खिलाफ आपका कोई दावा है तो नाम लीजिए उसका, बताइए क्या दावा है वो। ये कुछ नहीं बताएंगे, चेलानी उतावले स्वर में बोला, ये खामोश बैठेंगे, उनकी तरफ से जो भी बताया जाना जरूरी होगा वो मैं बताऊंगा, जो जवाब दिया जाना जरूरी होगा वो मैं दूंगा, क्योंकि ये गूंगे हैं, सुनील बोला। नॉनसेंस, क्योंकि इनके वकील की हैसियत में इनकी जुबान मैं हूँ। चिट्ठी दिखाओ, बकाला दबे स्वर में बोला। चिट्ठी? चेलानी सक पकाया, कैसी चिट्ठी? कुंडू ने अपने सामने पड़ी फाइल में से एक चिट्ठी निकाली और उसे क्लाइंट और वकील दोनों के सामने किया। ये आपके क्लाइंट की मिस्टर बकाला को लिखी चिट्ठी है, जिससे आपके क्लाइंट मिस्टर मेहता मुकर नहीं सकते। इसमें जनरल क्लेम के बाबत इन्होंने खुद लिखा है, साफ लिखा है कि मुझे इस चिट्ठी की खबर है, चेलानी अप्रसन्न भाव से बोला, लेकिन ये पुरानी है, तब की है जबकि मिस्टर मेहता अपने कानूनी हकूक़ से पूरी तरह वाकिफ नहीं थे। मेहता ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन अपने वकील की चेतावनी भरी निगाह अपने पर पड़ती पाकर होठ बीच लिए। इग्नोरेंस इज नॉट इन एक्सक्यूज, कुंडू सख्ती से बोला। बट, चेलानी ने कहना चाहा, नो बट मिस्टर मेहता, अगर जनरल रिलीज साइन करना कबूल नहीं करेंगे तो ये पार्टनरशिप कभी टर्मिनेट नहीं होगी, अकाउंट कभी फाइनल नहीं होंगे, और सेटलमेंट के नाम पर इन्हें एक काला पैसा भी हासिल नहीं होगा। अपने क्लाइंट को चुप कराकर आप इन्हें एक हैंडसम सेटलमेंट से महरूम रखना चाहते हैं तो पड़े रखते रहिए,
एंड दैट इज फाइनल एज फॉर माई क्लाइंट इज कंसर्न। तत्काल मेहता विचलित दिखाई देने लगा। उसने फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन चेलानी ने फिर घूरते हुए उसे चुप करा दिया। मेहता बेचैनी से पहलू बदलने लगा। मैं अपने क्लाइंट से मशवरा करना चाहता हूँ, चेलानी उठता हुआ बोला, हम अभी हाजिर होते हैं। उसके इशारे पर मेहता भी उठा और दोनों वहां से रुखसत हो गए। चेहरे पर गहरी टेंशन के बावल ये बकाला खामोशी से उन दोनों को वहां से रुखसत होता देखता रहा। फिर एकाएक उसके चेहरे की नसें खिंचने लगी, आंखें झपकने लगी और हाथ पांव इटने लगे। सुनील अपलक उसका वही हाल होता देखता रहा जो वो दिन में ब्लास्ट के ऑफिस में देख चुका था। उसने होले से डॉक्टर पहुजा को कोहनी मारी। डॉक्टर पहुजा ने संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया और फिर उसकी निगाह मेजबान के हर एक्शन को नोट करती उस पर टिक गई। आखिरकार बकाला का कांपना फड़कना बंद हुआ। उसने खुद को काबू में किया और फिर रुमाल निकालकर चेहरे पर फिराने लगा और मुंह खोलकर खोखली सांसें लेने लगा। मेरे मन की बात कही, फिर वो कुंडू से बोला और वैसे पुरजोर कही जैसे मैं कहना भी चाहता तो शायद कह ना पाता। कमीना मेरे को थूक लगाना चाहता है। ऐसे नाशुकरे को तो सच में भी काला पैसा नहीं मिलना चाहिए। सुनील, तुमने इन्हें साथ लाकर मेरे पर बड़ा एहसान। तभी सुनील के मोबाइल की घंटी बजी। एक्सक्यूज मी, वो बोला अपने स्थान से उठा और परे डाइनिंग हॉल के कोने में जाकर उसने कॉल को रिसीव की। लाइन पर रमाकांत था। अब कहाँ पर है, उसने पूछा। सुनील ने बताया। बढ़िया मालको, मैंने उस बात को पूरी करने के लिए फ़ोन किया है जो मेरी पहली कॉल के वक्त में अधूरी लगी थी। नया कुछ मालूम पड़ा? हाँ, ये मालूम पड़ा कि विष्णु मेहता का पुलंदा बांधने के लिए काम दस्तूर से ही नहीं हो रहा है और तरीके से भी हो रहा है। और कौन सा तरीका? उस एडीए सर्वेश कनौजिया की विधवी ने इस काम के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव इंगेज किया है। अच्छा, हाँ, विष्णु मेहता की तलाश के मामले में शायद वो पीढ़ी कुछ करतब कर दिखाए, लेकिन जो करतब पीढ़ी ने दिखाना है हमारे सामने तो हुआ पड़ा है, क्योंकि विष्णु मेहता अपने साइलेंट पार्टनर का मेहमान बना हैदराबाद में मौजूद है। हाँ, और इस वक्त तू भी वही है? हाँ। कहाँ है वो? वहाँ। हाँ है, मालको इसे कहते हैं कुच्छड़कुड़ी, शहर डिंडोरा। ठीक, अब क्या इरादा है? किस बाबत? ओए, उसी जमुरे के बाबत जो किसी को ढूंढे नहीं मिल रहा लेकिन तुझे मिला हुआ है। रमाकांत, हम नेक शहरी हैं, मुल्क के कायदे कानून की मदद करना नेक शहरियों का फर्ज होता है। आया वड्डा नेक शहरी। मैंने हम बोला, हम में तुम्हारा भी शुमार है। मेरा हो तो जमजम हो, लेकिन तेरा क्यों हो? तेरी मेरी कोई एक ही बात है, तू तू है, मैं हूँ। ये चूहलबाजी का वक्त है। हला हला बोल, क्या चाहता है? क्या करूँ मैं इस बाबत? मुंबई के उस पीढ़ी को विष्णु मेहता की यहाँ मौजूदगी के बाबत टिप दे दो, फिर जो करना होगा वो खुद करेगा। ठीक है, किसी के इकबालपुर जाने की बाबत कुछ हुआ? अभी नहीं हुआ। ओह, दिल छोटा न कर मा सतके, तू बात को यूं समझ की कटन सी तेरे बर्थडे बापा जी। आंधी आए या तूफान, कर्फ्यू लगे या मोशन लो, पाकिस्तान का हमला हो या चाइना का, कल सुबह सवेरे मेरा कोई ना कोई आदमी हर हाल में इकबालपुर में होगा। अब राजी? हाँ। फूल या ओना पोना? ओना पोना क्यों भाई, ये नाशुकरी बात किस लिए? अर्जुन वहाँ फंसा हुआ है, मेरा उससे वादा था कि रात को ही कोई उसे रिलीव करने वहाँ पहुँचेगा। मुझे बताना चाहिए था ना अपने वादे के बाबत। बताता तो तुम क्या करते? राकेश की शादी रुकवा देते? अरे नहीं तो, तुझे सलाह देता। क्या, खुद चला जा, बल्कि अभी भी टाइम है। लानत, लानत भेज या कुछ और कर, लेकिन इस बार अपने दोस्त की खता बख्श, मेरे किए सुबह से पहले कुछ नहीं होने वाला। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, कर सकेगा? और नहीं तो तुम्हारी राय पर तो अमल कर ही सकूंगा। मेरी राय? खुद चला जाऊंगा। अब पीछा छोड़ इस बात का, जवान लड़का है अर्जुन, इकबालपुर ही गया है, सियाचिन नहीं गया। कोई और बात है? जिस सफ़ेद अल्टो का तूने नंबर बताया था वो किसी मिसेज सुदेश वाला के नाम रजिस्टर है, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में उसका जो पता दर्ज है वो है 12 सनातन रोड
इकबालपुर गुड गुड नहीं काका बली परफेक्ट। ये ओनी पोनी जानकारी नहीं है, मुकम्मल जानकारी है जो ठाकर के तुझे हासिल हुई है। थैंक यू बड्डे पापा जी। मेंशन नोट टिकाले। सुनील ने संबंध विच्छेद करके मोबाइल जेब के हवाले किया और वापस डाइनिंग हॉल में पहुंचा। चेलानी और उसका क्लाइंट अपने खुफिया मशवरे के बाद वहां लौट आए हुए थे। चेलानी ने संदिग्ध भाव से अपनी जगह पर वापस आकर बैठते सुनील को देखा। तो क्या फैसला हुआ? सुनील लापरवाही से बोला। मेरा क्लाइंट, चेलानी सावधान लहजे में बोला, जनरल रिलीज के लिए हामी बनना कबूल कर सकता है, बशर्ते कि मिस्टर ग्राइंडर के पेटेंट पर मिस्टर बकला सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लाइंट का हक मानना कबूल करें। इसलिए अंशुमन कुंडू के माथे पर बल पड़े। इसलिए ये भी कोई पूछने की बात है? है पूछने की बात भाई, वो इज्जत मिस्टर मेहता की है। जिसको मिस्टर बकाला की फाइनेंशियल बैकिंग न हासिल हुई होती तो दिन का उजाला देखना नसीब न होता। आदित्यनाथ बकाला का सिर स्वयं में सहमति में हिला। मुर्गा भाग न दे तो क्या सवेरा नहीं होता? चेलानी तनिक व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। काश आप ये सबक अपने क्लाइंट को पार्टनरशिप डील वजूद में आने से पहले दे पाते। हम इस वक्त यहाँ बीती बातें नहीं, आइंदा बातें डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं। मिस्टर मेहता पेटेंट पर अपना हक जताकर क्या हासिल करना चाहते हैं? वो अकेला पेटेंट ही करोड़ों की आइटम है। मेरे क्लाइंट को अगर पेटेंट के बदले की रकम मिल जाए तो वो पेटेंट पर, कंपनी पर, अपनी गुडविल पर, अपने बाकी के सब हक छोड़ने को तैयार है। कितनी रकम? अकेला पेटेंट ही कम से कम 10 करोड़ की आइटम है, लेकिन 6 करोड़ की स्टेट पेमेंट के बदले में मिस्टर मेहता अपने सारे राइट्स छोड़ने को और जनरल रिलीज लिखकर देने को तैयार हैं। हम आपकी पेशकश पर गौर करेंगे, कल रात डिनर पर फिर मुलाकात होगी। कल रात? मेहता सक पकाया। हाँ कल रात, कुंडू बोला। कल रात किस लिए? चेलानी बोला। जो फैसला करना है आज ही कीजिए, अभी कीजिए। ये मुमकिन नहीं। अरे साईं, मिस्टर बकाला से तो पूछ लो कि ये मुमकिन है या नहीं। अगर मेरा वकील कहता है ये मुमकिन नहीं, बकाला बोला, तो मुमकिन नहीं, लिहाजा कल तक वेट करना पड़ेगा, चेलानी बोला। हाँ ठीक है। फिर वो उठ खड़ा हुआ और मेहता से बोला, आओ भाई जरा ठंडी हवा खाएं। मेहता उठा और चुपचाप अपने वकील के साथ हो लिया। व्हाट द हेल? उनके निगाहों से ओझल होते ही पीछे बकाला बुनबुनाया। जो सेटल करना था आज कर डालना था, बड़ी हद रकम पर कोई बार्गेन कर लेना था, फैसला कल तक क्यों टाल दिया? क्योंकि, कुंडू सहज भाव से बोला, जल्दबाजी का फैसला अच्छा नहीं होता। लेकिन वकील साहब ने असूलन एक बात कही है, सुनील बोला, व्यवहारिक तौर पर भी इस फैसले को टालना ही माकूल कदम था। क्यों बला? क्योंकि आपका मैनेजिंग पार्टनर चोर है, ठग है, उठाई गिरा है, यार मार है। क्या मतलब? जिस मिक्सर ग्राइंडर को वो अपनी इजाद बताता है वो उसकी अपनी इजाद नहीं है, उसने चोरी के माल को अपना बताकर आपसे फ्रॉड किया है, जिसके लिए आपको उस पर धोखाधड़ी और 400 BC का मुकदमा करना चाहिए। क्या कह रहे हो? बकाला पकाया सा बोला। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, आपकी स्टार प्रोडक्ट असल में सर्वेश कनौजिया नाम के एक शख्स की इजाद है, जो कि अपनी मेहनत का कोई फल चख पाने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये एक बड़ा धोखा है जो विष्णु मेहता ने पहले अपने मजबूर लाचार दोस्त के साथ किया और फिर आपके साथ किया। धोखा ऐसे शख्स की फितरत में होता है जो कि आइंदा भी बात आया नहीं रह सकता, इसलिए फौरन आपको अपनी कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट कराने चाहिए। ऑडिट से अगर ये बात सामने आई कि आपका क्रुक्ट पार्टनर धीरे धीरे कंपनी का लाखों रुपया सरका चुका है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। वन से थीप, कुंडू बोला, अलवे से थीप। एग्जैक्टली बकाला साहब, मौजूदा हालत में आपको पार्टनरशिप खत्म करने के लिए कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, पार्टनर को जेल भिजवाने के लिए कोई कदम उठाने की जरूरत है। ऐसा हुआ तो केस सेटलमेंट की बात ही खत्म हो जाएगी। वो जुदा मसला है, बकाला भड़का, लेकिन उसने मेरे से इतना बड़ा झूठ बोला और इतने साल तक उस झूठ पर पर्दा डाले रखा। जाहिर है, सुनील बोला, ऐसे कमीने को छुट्टा घूमने का क्या काम, अब ये गिरफ्तार होगा और जेल जाएगा। मैं अभी उससे बात करता हूँ। अब खातिर जमा रखिए जनाब,
जेल तो वो वैसे भी जाएगा। वैसे कैसे? मिक्सर ग्राइंडर के मूल आविष्कारक सर्वेश कनौजिया की विधवा ने मुंबई पर उस पर कोर्ट केस कर भी दिया हुआ है, जिसकी वजह से उसका वारंट गिरफ्तारी पहले से निकला हुआ है। ओह, उसके यहाँ आने के पीछे अहम मुद्दा यही है कि वो आपसे जो रकम झटक सके झटक ले और फरार हो जाए। इसी वजह से उसका स्टेट पेमेंट पर जोर है। इसी वजह से अगर फैसला फौरन हो, माल फौरन हाथ में आए, तो उसे अपनी मांगी रकम की घटपड़ भी मंजूर होगी। तभी उसके वकील का इस बात पर जोर था कि मैंने जो फैसला करना है आज ही करूं, अभी करूं, एग्जैक्टली। तो अब क्या किया जाए, ये भी कोई पूछने की बात है? आपको किसी भी बहाने तब तक यहाँ अटका के रखना होगा जब तक कि मुंबई से इसके नाम जारी हुआ वारंट इसे सर्व ना हो जाए। वो कैसे होगा? वैसे ही जैसे होता है। मुंबई पुलिस के पास विष्णु मेहता की यहाँ मौजूदगी की टिप पहुँच चुकी है। कैसे कैसे पहुँच चुकी है? एक उड़ती चिड़िया ने पहुँचाई। क्या जनाब, आप आम खाने से मतलब रखिए, पेट क्यों गिनते हैं? इस बात को खातिर में लाइए कि आप एक मेजर जिम्मेदारी से सस्ते में छूट रहे हैं। कबूल, लेकिन मेरी मेजर प्रॉब्लम कोई और है, कहीं और है। उसका भी हल हुआ ही समझिए। वो कैसे? आपकी जानकारी के लिए, आपकी बीबी ने अपने इकबालपुर वाले वकीलों को डिसमिस कर दिया है और यहाँ राजनगर के एक बड़े वकील को इंगेज किया है। कोर्ट में तलाक की बाबत सेकंड मोशन दाखिल करने का 6 महीने का वफा भी आज मुकम्मल हुआ है और सेकंड मोशन कल गौर किए जाने के लिए पहले ही दाखिल दफ्तर में है। ये महज एक औपचारिकता है जिस पर मजिस्ट्रेट फौरन अपना फैसला सुना सकता है। आपकी बीबी का नया वकील मुझे उम्मीद नहीं कि कल कोर्ट में पेश हो पाएगा, लिहाजा कोई बड़ी बात नहीं कि आपके वकील की दरख्वास्त पर ही तलाक की फाइनल डिग्री कल ही जारी हो जाए। ऐसा न हुआ तो भी एक तरीका है जिसके तहत आप फौरन शादी कर सकते हैं। वो कौन सा? आपको मालूम है, क्योंकि आप ही की वजह से तो मुझे मालूम है। आपने खुद फरमाया था कि आप आदिवासी हैं और बहुपत्नीवाद आपके कुनबे में सदियों से चला आ रहा ऐसा रिवाज है जिसमें मुल्क का कायदा कानून भी दखलअंदाज नहीं हो सकता। ओह, अगर सच में ऐसा है तो आप जब चाहे दूसरी शादी कर सकते हैं। भाई, वो काम इतना आसान नहीं। क्यों भला? वो शादी मैं जब चाहे कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ चाहे नहीं कर सकता। वो शादी मेरे आदिवासी कबीले का धर्मगुरु ही करा सकता है और इसके लिए उसके पास हाजिरी भरना जरूरी है। वो कहाँ पाया जाता है? जामनगर के करीब बकाला में, जो कि मेरे पुरखों का गांव है और जिसके वासी होने की वजह से हम बकाला कहलाते हैं। वहाँ जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है, वीसा लगवाना पड़ता है। अरे नहीं भाई, तो क्या प्रॉब्लम है? आपको शादी बनाने की जल्दी है तो उड़कर वहाँ पहुँच जाइए। यार, इतनी मामूली बात मुझे क्यों नहीं सूझी? आपने बड़ी समस्या का बड़ा हल सोचना शुरू कर दिया, इसलिए छोटे हल की तरफ तवज्जो न गई। यही बात, वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, अब तुम्हारी राय में मैं क्या करूँ? वो मैडम अब कहाँ है जिससे आप शादी बनाना चाहते हैं? रचना यही है, उनको आनंद फानन शादी से कोई ऐतराज होगा? जरा भी नहीं। बकला जाके आदिवासी तरीके से शादी से ऐतराज होगा? नहीं, रचना को हर वो बात कबूल है जो मुझे कबूल है। कि इस बात को बहस करेगी कि नॉर्मल कोर्स में यूं की शादी बिग मैस करार दी जा सकती है? करेगी तो मैं समझा लूँगा, फिर क्या प्रॉब्लम है? उड़ जाइए अपने कबीले की ओर। चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम करने में टाइम लगेगा। घंटों में ही लगेगा, दिनों में तो नहीं लगेगा। फ्लाइट चार्टर करना तो छोटी बात है, आप चाहे तो घंटों में नया प्लेन खरीद सकते हैं। मैं करता हूँ कुछ। सब कुछ कीजिए, सुबह सवेरे उड़ जाइए। 2.5-3 घंटे में आप जामनगर में होंगे, उसके बाद बकाला पहुँचने में आपको कितना टाइम लगेगा वो आप जाने। 1.5 घंटा, बढ़िया। आप वहाँ पहुँचिए, पीछे कुंडू साहब ऐसा प्रबंध करेंगे कि इकबालपुर से आपकी बीबी की अपनी तलाक की अर्जी वापस लेने की कार्रवाई शुरू होने से पहले से दाखिल सेकंड मोशन की बिना पर फाइनल डिग्री हो जाए। ऐसा हो गया तो आपको फौरन खबर कर दी जाएगी, जिसके लिए कम्युनिकेशन का जो जरिया हो वो पीछे समझा के जाइएगा। अगर तलाक मंजूर हो गया तो आप जैसे मर्जी नई शादी बनाने के लिए आज़ाद होंगे। उसमें कोई फंजर पड़ गया तो
आपको आदिवासी तरीके से शादी करने से कौन रोकेगा? बकाला में कोई नहीं। सो देयर भरखुरदार, तुमने तो एक मेजर प्रॉब्लम को, बल्कि दो को, चुटकियों में हल कर दिखाया, जबकि तुम वकील भी नहीं हो। लेकिन वकीलों की मुतवातर सोहबत की वजह से थ्री क्वार्टर नहीं तो सेमी वकील बराबर हूँ। कुंडू हंसा, अब तो मैं इसे गुड ओमन ही कहूँगा कि मेरी तुम्हारे बॉस से मुलाकात न हुई। मलिक साहब ने मेरे से कहीं ज़्यादा आला दिमाग पाया है और उनका दुनियादारी का तजुर्बा मेरे से कहीं ज़्यादा वसी है, जो कि इस बात से भी उजागर है कि उन्होंने अपनी पावर्स तुम्हें डेलीगेट की, किसी काले चोर को नहीं। सुनील अदब से हंसा, ग्रेसी बकाला एकाएक अति व्यस्तता दिखाता बोला, स्टैंड अप एंड मूव, हमें कई काम करने हैं, बहुत तैयारियां करनी है। यस सर, सेक्रेटरी ग्रेसी भटनागर तत्पर स्वर में बोली और चाबी लगे खिलौने की तरह उठ खड़ी हुई। दोनों लंबे डग भरते वहां से रुखसत हो गए। पीछे डॉक्टर विनीत पहुंचा, वकील अंशुमान कुंडू और सुनील बैठे रह गए। तुम्हारी बातों से लगता है, पीछे कुंडू सुनील से बोला, कि कल सुबह इकबालपुर कोर्ट में मुझे पेश होना पड़ेगा। आपको जहमत तो होगी, सुनील बोला, लेकिन हाँ, पक्की बात? हाँ। फिर मेरा यहाँ रुकना गलत होगा, मैं चलता हूँ, सुबह सवेरे निकल ले तो? नहीं, गाड़ी ठीक से चला लेंगे ना? डोंट यू वरी, फिर आपकी मर्जी। रुख्सत पाने के लिए मैं मेजबान को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं समझा दूंगा। गुड, वकील ने डॉक्टर की तरफ देखा। मैंने गिलास हाथ में थामते ही सोच लिया था, डॉक्टर खेदपूर्ण स्वर में बोला, कि घर नहीं जाना इसलिए अपनी लिमिट क्रॉस कर गया, मेरे को तो यहीं बैठे बैठे नींद आ रही है। वेल गुड नाइट देन, गुड नाइट सुनील, गुड नाइट सर, हैप्पी जर्नी। वकील वहां से रुखसत हो गया। अब आप बताइए पहुजा साहब, पीछे सुनील बोला, आप क्या कहते हैं? किस बाबत? आपको मालूम है किस बाबत? आपके सामने हमारे मेजबान को जो दौरा पड़ा था उस बाबत? हमारा मेजबान कारखानेदार बनने से पहले क्या थिएटर करता था? क्या मतलब? वो दौरा फर्जी था, स्टेज मैनेज था, एक्टिंग था। पक्की बात? हाँ। शक की कोई गुंजाइश नहीं? कतई कोई गुंजाइश नहीं। वो हाथ पांव ऐंठने लगना, चेहरे की नस खींचना, पलके झपकाना, सब ड्रामा था। पक्का? कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई नर्वस डिसऑर्डर नहीं? जीरो। मैं अपनी तमाम मेडिकल नॉलेज दांव पर लगाकर ये दावा कर सकता हूँ कि उस शख्स को ऐसी कोई अलामत नहीं जिसकी वजह से वो तमाम हरकतें उसके जिस्म में होती हैं, वो सब उसका फरेब था। क्यों? आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। अगर ये नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।